जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जी हां, आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट की जानकारी आज मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया, लिंक पे क्लिक करके आप लोग भर्ती देखो पे आकर के डिटेल ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, उसका भी लिंक मैंने आप लोग को दिया हुआ ताकि नोटिफिकेशन वगैरह मैं आप लोग को उस पर सेंड कर सकूँ और आप लोग पूरी डिटेल देख सकें। जी हाँ, क्या है रिक्रूटमेंट आप लोग को पता होना चाहिए। CRPF, जी हाँ, CRPF के अंतर्गत जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, जी हाँ, यहाँ पे आप लोग को राजपत्र अधिसूचना और भर्ती का नियम यहाँ पे जारी कर दिया गया है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे राजपत्र अधिसूचना भर्ती का जो नियम है वो जारी कर दिया गया है। क्या है नियम आप लोग देखेंगे, 5 अप्रैल 2023 का ही ये अधिसूचना है जो कि CRPF के द्वारा जारी किया गया। पूरी डिटेल आप लोग को मिलने वाली है यहाँ पर। आप लोग देखेंगे बिल्कुल डिटेल क्लियर किया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह गए असाधारण ड्यूटी यानी कि GD टेक्नीशियन अटैचमेंट कैडर 2010 GD के पद अंकित करता है, लोप किया गया, ठीक है। ड्यूडू GD की भर्ती को निम्नलिखित बनाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे इसमें। कांस्टेबल GD यह नियम संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस बल कांस्टेबल GD साधारण ड्यूटी कैडर समूह गए भर्ती नियम 2023 है। बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर दिया, जी हाँ, CRPF कांस्टेबल GD साधारण ड्यूटी कैडर ग्रुप सी पद भर्ती नियम 2023। ध्यान से सुनिए तो पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन की पूरी जानकारी आप लोग को नीचे दी गई है। कितनी वैकेंसी CRPF के अंतर्गत निकल के आ रही है, कांस्टेबल GD की बहुत बहुत बड़ी भर्ती निकल के आ रही है, ओनली और ओनली CRPF के अंतर्गत ही। भर्ती का नियम, आयु वगैरह पूरी डिटेल आप लोग को, आरक्षण और इसके अलावा जो ज्येष्ठता निहरता वगैरह पूरी डिटेल आप लोग को दी गई है। भारत के नागरिकों की अपात्रता, अधिवर्षिता, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। इसके अलावा जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं तो इसी का आप लोग वेट कर रहे थे, जी हाँ, यही है वो चीज़ कांस्टेबल GD की जो आप लोग की रिक्रूटमेंट यहाँ पे जिसके लिए नियम जारी किया गया है, अधिसूचना जारी कर दी गई, 1,29,929 यानी कि अप्रोक्सीमेट 1,30,000 वैकेंसी क्लियर किया गया है 2023, जी हाँ, जिसमें कि पुरुष की 1,25,262, महिला की 4,667 वैकेंसी है। 1,30,000 वैकेंसी, बहुत 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 ही बड़ी भर्ती, ओनली और ओनली CRPF की भर्ती। तो समूह गए की अराजपत्रित अनुसूचित योद्धा का, ठीक है, वेतनमान आप लोग का 21,700 से 69,100 रुपये आप लोग का यहाँ पे रहने वाला है, आप लोग को पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या क्या जानकारी आप लोग को दी गई तो आप लोग देखेंगे। व्यक्तियों की आयु सीमा आप लोग की क्या रहने वाली, तो देखिए आयु सीमा 18 से 23 साल आप लोग की रहेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और इसके अलावा पिछड़ा वर्ग से हैं तो आप लोग को यहाँ पे एज में छूट मिलेगा। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन एज आप लोग की 18 से 23 साल इस अधिसूचना और भर्ती के नियम में जारी किया गया है। जी आप लोग को पता होना चाहिए SSC GD के द्वारा जो आप लोग की निक्रूट SSC GD की एक भर्ती आप लोग की चल रही है, उसमें भी अभी आप लोग की 50,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ यहाँ पर कर दी गई हैं। एज में आप लोग को छूट दी गई थी, लेकिन अभी जो वैकेंसी निकल के आ रही है इसमें एज आप लोग की 18 से 23 साल है। और इसके अलावा आप लोग को बताया गया कुछ शैक्षिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन आप लोग की क्या रहने वाली है, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो केंद्रीय या राज्य सरकार मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड विश्वविद्यालय से आप लोगों ने 10th या फिर उसके इक्वलेंट आप लोगों ने कर रखा है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप लोग 10th क्लास पास हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग अप्लाई करते हैं SSC GD के लिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF कांस्टेबल GD के पदों के लिए शारीरिक चिकित्सा मानदंड केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आप लोग का फिजिकल और मींस फिजिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं और समय समय पर जो भी इसमें चेंजेस वगैरह किया जाता है वही आप लोग का रहने वाला है। यानी कि आप लोग की 5 किलोमीटर की रनिंग आप लोग को पता होना चाहिए, मेल कैंडिडेट 24 मिनट, फीमेल कैंडिडेट 1600 मीटर की रनिंग आप लोग की होती है। इसके अलावा हाइट वगैरह की जानकारी भी आप लोग को होगी। जनरल OBC SC 170 यहाँ पे होती है, फीमेल 157, पूरी डिटेल आप लोग को मिल जाएगी, यानी कि आप लोग को डिटेल दी गई है विज्ञापन में। कांस्टेबल साधारण ड्यूटी के लिए सारी लिखित परीक्षा में अर्क होना चाहिए, यानी कि आप लोग को पहले लिखित परीक्षा में उपस्थित होना होगा, लिखित परीक्षा आप लोग को क्लियर करनी होगी, उसके बाद आप लोग का फिजिकल होगा,
लेकिन यदि आप लोग अग्निवीर हैं तो आप लोग को पीईटी में छूट प्रदान की जाएगी। जी हाँ, यहाँ पे अग्निवीरों को भी बेनिफिट मिल रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है। भूतपूर्व अग्निवीरों को यहाँ पे पीईटी से छूट, और इसके अलावा आप लोग को पता है परीक्षा विधि यानी कि जो प्रोबेशन पीरियड वगैरह होता है वो 2 साल का है, और इसमें आप लोग की सीधी भर्ती है, और 10% रिक्तियाँ भूतपूर्व अग्निवीरों को प्रदान की जाएंगी। इसमें 10% जो रिक्तियाँ होंगी वैकेंसी, ये भूतपूर्व सैनिकों यानी कि भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दी गई है, सीधी भर्ती जो आप लोग की निकल के आ रही है, जिसके लिए ये नियम जारी किया गया है, राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है। तो इसमें बाकी की डिटेल भी आप लोग को दी गई है, ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे रीड करेंगे। इंग्लिश में भी आप लोग को यहाँ पे डिटेल दी गई है, तो यानी कि यहाँ पे आप लोग अग्निवीर जो हैं भूतपूर्व अग्निवीर वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग को डिटेल दी गई है, आप लोग देखेंगे। आईयू में छूट मिलेगी भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए, ऊपरी सीमा में 5 वर्ष की स्थिरता दी जाएगी, यानी 5 वर्ष की यहाँ पे छूट दी जा रही है भूतपूर्व अग्निवीरों को। इसके अलावा भूतपूर्व अग्निवीरों के अभ्यर्थियों के लिए यानी कि जो अभ्यर्थी हैं उनके ऊपरी सीमा में 3 वर्ष की स्थिरता दी जाएगी। तो पहले बैच वालों को 5 साल और अभी जो विद्यार्थी हैं भूतपूर्व अग्निवीर तो उनके यहाँ पे 3 साल की छूट मिलेगी। बाकी की डिटेल आप लोगों को नोटिफिकेशन आते ही जानकारी मिलेगी, लेकिन ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ मैं आप लोग को दे रहा हूँ। जी हाँ, कुछ भी गलत नहीं है इसमें जो जानकारी मैंने आप लोग को दी है। 130,000 वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है, और मैं आप लोग को बता दूँ जो रूल्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं SSC GD, जी हाँ SSC GD के द्वारा आप लोग की ये भर्ती निकालने की बात यहाँ पे कही जा रही है। बिल्कुल आप लोग को क्लियर किया, आप लोग देखेंगे टिप्पणी 1 में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञप्ति की जाएगी। यानी कि ये भर्ती आप लोग की SSC के द्वारा निकाली जाएगी। रिटर्न एग्जाम का प्रोसेस यहाँ पे SSC के द्वारा ही लिया जाना चाहिए, जैसा कि लिया गया है लिखा गया है। तो यहाँ पे आप लोग की CRPF की 130,000 भर्ती का नोटिस SSC और CRPF की वेबसाइट पे भी आप लोग को देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऑनलाइन अप्लाई SSC की वेबसाइट या फिर CRPF की वेबसाइट पे ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो एज वगैरह की डिटेल दी गई है यानी कि SSC GD का इसमें रोल रहने वाला है। रिटर्न एग्जाम SSC के द्वारा ही आप लोग का लिया जाएगा। चलिए, इसकी टेंशन नहीं है, किसी के द्वारा भी नोटिफिकेशन निकाला जाए, किसी के द्वारा भी रिटर्न एग्जाम लिया जाए, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप लोग की भर्ती 130,000 जो वैकेंसी है इसका राजपत्र अधिसूचना भर्ती नियम जारी कर दिया गया है 2023 के लिए। तो ये मान के चलिए आप लोग की रिक्रूटमेंट तैयार है, बहुत ही बड़ी भर्ती यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, इंग्लिश में भी आप लोग इसे रीड कर सकते हैं, पूरी डिटेल आप लोग को इंग्लिश में दी हुई है। यदि आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पे एज लिमिट वगैरह आप लोग की कितनी कितनी है और इसमें आप लोग की क्वालिफिकेशन क्या है, पूरी डिटेल आप लोग को दी गई, ठीक है। क्रूशियल डेट डिटरमेंट एज लिमिट सेल बी एटोडाइज बाई CRSSC, यानी कि जो भी एज लिमिट वगैरह की जानकारी एटोडाइज जो SSC के द्वारा एटोडाइजमेंट आप लोग का SSC के द्वारा भी यहाँ पे दिया जाएगा। ये बिल्कुल कंफर्म हो रहा है इस अधिसूचना में, बिल्कुल क्लियर है जो ये भर्ती का नियम जारी किया गया है। बहुत 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 ही बड़ी न्यूज़ है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये PDF आप लोग को मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इसे आप लोग रीड कीजिए और तैयारी में लग जाइए। जी हाँ, SSC GD की एक भर्ती आप लोग की पहले ही चल रही है, जिसमें कि आप लोग की CAPF के कई डिपार्टमेंट ITBP SSB CISF वगैरह और एक नई भर्ती CRPF की जो निकल के आ रही है 130,000, ये भी SSC के द्वारा इसका भी यानी कि नोटिस वगैरह जारी किया जाएगा, एग्जाम वगैरह बाकी की जानकारी आप लोग को आने वाले समय में मिलेगी। लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जी हाँ चैनल से जुड़िए, ताकि सही रियल और सटीक इन्फॉर्मेशन समय से आप लोग को प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के टाइम पर। जाने से पहले आप लोगों से यही कहूँगा, यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए। भर्ती कब आएगी ये अभी क्लियर नहीं किया गया, भर्ती जैसे ही आएगी आप लोग को जानकारी दी जाएगी, लेकिन ये क्लियर है कि आप लोग की 130,000 भर्ती CRPF के द्वारा निकाली जानी है। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के नंबर। जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग को लगे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।